छतरपुर में गुंडा बदमाश की अब खैर नहीं है। छतरपुर प्रशासन और पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ो रुख हथियार कर लो है। पहले चेतावनी देने के बाद अब प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, जहां शहर के कई इलाकों में कई गुंडा बदमाश के अवैध निर्माण का प्रशासन ने ध्वस्त कर दो है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गुंडा बदमाश में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आज सवेर से ही नौगांव रोड, नारायणपुरा इलाके सहित कई जगह पे प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करी है। तो तय प्रशासन को कहबो है कि गुंडा बदमाश पे इस तरीका की कार्रवाई आगे भी जारी रहे। कोनो भी सूरत पे दहशत फैलावे वाले अपराध करवे वाले अपराधियों का बख्शो न जाए। कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों के विरुद्ध किस तरह से मुहिम चल रही है, क्या कलेक्टर सर और एसपी सर के निर्देश पर प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई चल रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू ऑफिसर्स और नगर पालिका का अमला मौजूद है। कलेक्टर सर के और एसपी सर के निर्देश पर पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन और जो नगर पालिका नगरीय प्रशासन है, उसकी एक संयुक्त कार्रवाई यहाँ चल रही है और इसमें जो है सभी पूरा अमला मौजूद है। ये सर कहाँ कार्रवाई की जा रही है? ये वार्ड नंबर 1 में कार्रवाई नारायणपुरा रोड पर की जा रही है। किन किन के मकानों पे कार्रवाई की गई है? अभी 2 व्यक्तियों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, आगे और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये जो भू माफिया हैं या आपराधिक किस्म के लोग हैं, जिनका समाज में खौफ है और जिनकी एक्सटॉर्शन, रैनसम, मर्डर, हीनियस ऑफेंस के कुख्यात अपराधी हैं, इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन नगर पालिका की जॉइंट टीम कार्रवाई कर रही है। आज हमने कुछ घरों पे कार्रवाइयाँ करी हैं जो अवैध थे और फ्यूचर में भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सर क्या उद्देश्य इसकी, ये इसमें मेन पर्पस हमारा ये है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एसपी सर, डीएम सर, सभी ये चाहते हैं कि समाज में क्लियर मैसेज जाना चाहिए, जो भू माफिया हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपराध छोड़ के वो मेन लाइन में आए, उसमें अपना काम करें, उनको किसी कंडीशन बख्शा नहीं जाएगा। ये भू माफिया एवं गुंडा जो माफियाओं के विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। किन किन लोगों के अभी मकान तोड़े गए हैं और जो मकान टूट रहे हैं, क्या उसका खर्चे का जो है वो वसूल आरोपियों से होगा? इसकी जो वसूली की जाएगी। किस तरीके के दिशा निर्देश मिले हैं कि आप कहाँ कहाँ कार्रवाई होना है, क्या पूरे जिले में कार्रवाई होगी इस तरीके से? जिले में होगी कार्रवाई। बुंदेलखंड चुपल के संवाददाता की खास रिपोर्ट है। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पे। शिवांगी तिवारी के साथ जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।